और मैं आपको आज हिंदी का लेसन पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे स्वयं अध्ययन। स्वयं याने खुद से, अध्ययन याने पढ़ाई। हम अपने आप जो पढ़ाई करते हैं उसे स्वयं अध्ययन कहते हैं। स्वयं अध्ययन में हमको अपने जो विचार होते हैं वह विचार आप वहां लिख सकते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा, फिर वो चाहे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, ऐसी कौन सी भी भाषा हो। वन मिनट। हाँ, ऐसी कौन सी भी भाषा हो तो यह भाषा में आप अपने विचार, आपको जो कुछ आप सोचते हो वो वहां लिख सकते हो। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीन सब्जेक्ट में आपको आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। वहां हम अपने जो सोच है, हम जो सोचते हो वो वहां नहीं लिख सकते। तो ये हिंदी में भी हो सकता है। अभी हिंदी में स्वयं अध्ययन के लिए तीन चीज आती है, एक पत्र लेखन, दूसरा कहानी लेखन और तीसरा है ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन। अभी ऐसे राइटिंग लिखने के समय हम उसके अंदर तीन पैराग्राफ करके आप जो कुछ सोच रहे हैं वो उसमें लिख सकते हो। आप अपने आसपास जो देख रहे हैं या आप अपने दिल में कुछ आ रहा है वो लिख सकते हैं। दूसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। उसका दो प्रकार है, औपचारिकता और अनौपचारिकता। इंग्लिश में उसको इनफॉर्मल और इन इनफॉर्मल कहते हैं। इन इनफॉर्मल यानी जो हमारे रिलेटिव्स है, चाचा चाची, मामा मामी और दूसरे हमारे फ्रेंड सर्कल है, उसको हम यह लेटर लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर हम अपने कुछ समस्या हो, जैसे पानी की समस्या, कचरे की समस्या, सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम, हम चौल में रहते तो वहां के कुछ प्रॉब्लम, तो इसके बारे में हम अपने लेटर लिख के उनको बता सकते हैं। दूसरा, आप सब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अभी आपका फैमिली मेंबर्स में किसी की शादी है, किसी के यहाँ बेबी हुआ है तो हम लोग उनके फंक्शन में जाना है, तो यह हम HM को या टीचर को लिख के बता रहे हैं कि मुझे 10 दिन की, 15 दिन की, एक महीने की छुट्टी चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। अच्छा, अभी तीसरा है कहानी लेखन। कहानी लेखन दो तरीके से हम लिखते हैं। एक, हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे फॉक्स, अंगूर, खेत, फिर उड़ी लगानी, कूदना, थक जाना और लास्ट में बताना अंगूर खट्टे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये पॉइंट्स को आप जोड़ के एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं। और दूसरा है, आपको पिक्चर दिया हुआ है, आपको हर एक पिक्चर के नीचे, पिक्चर के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है वह देखना है और उसके हिसाब से आपको एक स्टोरी तैयार करनी है। अब मैं यहाँ आपको स्टोरी के लिए भी पॉइंट्स है, कैसे, तो आपको जो स्टोरी लिखनी है वो तीन पैराग्राफ में लिखनी है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। उसके बाद वो स्टोरी को आपको कुछ तो नाम देना है, स्टोरी बिना नाम से तो होती नहीं है, तो हमको वह स्टोरी के लिए एक अच्छा नाम ढूंढना है। और लास्ट में बोध, मतलब इससे हम क्या सीखे। हम अपने छोटे थे, सीनियर जूनियर से लेके अभी सिक्स तक आए, हमारी दादी नानी, हमारी टीचर जो स्टोरी बोलती है वह स्टोरी के पीछे कुछ तो मीनिंग्स होते हैं कि वह स्टोरी से हम कुछ तो सीखते हैं। और यह सीखने के लिए ही हम अलग अलग स्टोरी पढ़ते हैं या हमें स्टोरी बताई जाती है, जिससे हमारे
नैतिक मूल्य, हमारी जो संस्कृति है उसे बढ़ावा मिलेगा। ओके, अब यहां मैं आपको पेज नंबर 53 हिंदी की किताब में है, आप वहां भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, और वह पिक्चर सचिन, आपको कुछ पूछना है? सचिन, आपको कुछ पूछना है क्या बेटा? हेलो? नो मिस। ओके, आपने हैंड रेस किया इसके लिए मैंने पूछा। अच्छा, तो हम यहाँ एक कहानी लिखने वाले हैं। पहले हम कहानी देख लेते हैं और उसके बाद हम वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट स्टोरी। यहाँ आपको दिया है स्वयं अध्ययन, मतलब खुद वह स्टोरी पढ़नी बनानी है और लिखनी है। वहां क्वेश्चन भी दिया है चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। शीर्षक याने टाइटल, आपको यहाँ उसका टाइटल भी देना है। अभी यह फर्स्ट वाला पिक्चर है, उसमें आप क्या 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 दिखता है? यह फर्स्ट वाला पिक्चर है, उसमें आप क्या देखते हैं? मिस, यहाँ पर एक अच्छा सा जंगल है, वहाँ पेड़ों नदी बह रही है और यहाँ एक इंसान चित्र बना रहा है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि जो चित्र बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट। ओके, और हिंदी में? चित्रकार। क्या कहते हैं? चित्रकार। चित्रकार। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ जंगल है, पेड़ है, एक नदी है, एक चित्रकार चित्र बना रहा है। अभी हम दूसरा चित्र देखेंगे। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है? मिस, हाँ बोलो बेटा। वो वाला जो पिक्चर था उसमें सब पहले जैसा चित्र था, सिर्फ उसमें एक शेर ऐड हो गया है। शेर ऐड हो गया। ओके, और अभी तीसरा वाला पिक्चर मैं दिखा रही हूँ। अभी क्या हो रहा है? आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? हेलो बच्चे, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में एक वो जो चित्रकार है उसने उसी शेर का चित्र बनाया, पर वो जो शेर है वो मुंह मोड़ के बैठा है। ओके, वेरी गुड। अभी थर्ड वन, उसके बाद का बोलो। इस चित्रकार ने चित्र बनाया और वो शेर भी चला गया। चला गया है कि? और अच्छे से देखो क्या किया है वो। बैठा लग रहा है पर। वेरी गुड, बैठा हुआ है। अभी यह शेर जो है वो
उसी किनारे पर है, और वो जो चित्रकार है वो डरा हुआ लग रहा है, और वो वाह, वेरी चप्पू से कहा तो जा रहा है। गुड। और ये लास्ट वन, वो एक किनारे पर आ गया है। वेरी गुड। अभी यहां आप देखेंगे तो ये सारे जो चित्र है उसके बारे में आपने अच्छे से बताया है कि यहां आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम स्टोरी राइटिंग जब भी करते हैं तो क्या होता है, हमें स्टोरी लिखने के टाइम पे 3 पैराग्राफ बनाने हैं, और ये स्टोरी में सिर्फ आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर के 6 सेंटेंस ही बनाए, तो इतनी स्टोरी तो चलती नहीं है। हमें स्टोरी थोड़ी बड़ी बनानी होती है। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे कि एक चित्रकार था, वह शहर में रहता था। शहर में चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारत थी और सड़कें, वाहन, यह सब था। वह चित्रकार को कुदरत का नजारे की चित्र बनाना था, लेकिन शहर में ऐसा कहाँ नहीं मिलता था। वह ऐसी जगह खोजता था लेकिन उसे मिलती नहीं थी। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अभी सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगी, वह चित्रकार अपना चित्र बनाने का सामान लेके शहर से दूर 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 चलते हुए जा रहा था। तभी उसे एक नदी दिखाई दी, और नदी के उस पार उसको जंगल, पेड़, हरे भरे और बड़े बड़े पर्वत दिखाई दिए। और यह सब देखने के बाद वह बहुत ही खुश हो गया कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा चित्र बनाने के लिए जगह मिल गई है। और वह अपना सारा सामान निकाल के चित्र बनाने लगा। ये हो गया मेरा दूसरा पैराग्राफ। अभी तीसरा पैराग्राफ, जब वह चित्र बना रहा था तब जंगल में कहां से एक बड़ा सा शेर आ गया, और शेर ने चित्रकार को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो चित्रकार ने कहा, मैं चित्र बना रहा हूं। तो शेर ने उससे कहा, अरे भाई तुम मेरा भी चित्र बनाओ। अभी चित्रकार शेर को देख के तो पहले डर गया था, और अभी चित्र बनाने को बोला तो और डर गया। चित्रकार ने फिर भी हिम्मत रखी और शेर को बोला, आप जहां है वहां खड़े रहो, मैं आपको चित्र बना के देता हूं। ओके? शेर खड़ा रहा, चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे चित्रकार ने उस शेर का चित्र बनाना स्टार्ट किया। लेकिन चित्रकार डर रहा था और शेर सोच रहा था, कैसे मैं ये इंसान को खा जाऊं, ऐसे सोच रहा था। फिर चित्रकार ने एक उपाय निकाला और शेर को कहा, अभी आप थोड़े घूम जाइए, मैं आपकी पीछे से अच्छी चित्र निकालता हूं। शेर ने उस चित्रकार की बात मान ली और वह मुड़ गया। जैसे ही शेर मुड़ गया, चित्रकार ने अपना सामान फटाफट उठा लिया और नाव में बैठ के भागने लगा। यह जब शेर ने देखा तो शेर को बहुत गुस्सा आया कि अरे आज का मेरा अच्छा वाला भोजन था इंसान का, वह इंसान निकल गया, आज मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा। और जो चित्रकार था वह नाव में बैठ के अपने शहर की तरफ चलने लगा, और वह बहुत ही खुश था कि आज मेरी जान बच गई। ओके? तो इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल आप क्या देंगे?
हेलो स्टूडेंट, आप सुन रहे हो सर? और चित्रकार, क्या बोला? शेर और चित्रकार की कहानी। कहानी नहीं, शेर और चित्रकार। ओके, और कोई? चित्रकार कैसा था? हुशार चित्रकार। होशियार चित्रकार। ओके, और चित्रकार और आणि और कैसा था चित्रकार? समझ। हाँ, समझदार चित्रकार। और कितना और बोलो, और कैसा था चित्रकार? चालाक, चतुर, चालाक चित्रकार, चतुर चित्रकार, बहादुर चित्रकार। ओके, आप सबने विशेषण पढ़ा है? विशेषण के बारे में पढ़ा है ना? एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है ना? तो यह एडजेक्टिव ही हो गया, हुशार चित्रकार, समझदार चित्रकार, चालाक चित्रकार, चतुर चित्रकार, बहादुर चित्रकार। तो यह हमारे शीर्षक हो गए। कहानी में स्टार्टिंग में ही हमको बोला था कि कहानी को एक शीर्षक देना है, तो यह हो गया शीर्षक। अभी इस कहानी पढ़ने के बाद आपको कुछ बोध मिला? आप इससे कुछ सीखे क्या? यस सीखे। क्या सीखे? आप कुछ सीखे क्या सीखे कहानी से? मिस, हम इस कहानी से ये सीखे कि कुछ भी परेशानी हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर भी हम उस परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। वेरी गुड। और कोई बोलो। विपत्ति आने पर नहीं डरना चाहिए। एक मिनट, एक जन बोलो। हाँ बोलो। विपत्ति आने पर हमें डरना नहीं चाहिए। वेरी गुड। विपत्ति आने पर डरना नहीं चाहिए। और समय हमारे सामने कोई खड़ा हो तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, उससे भी हमारी जान बच सकती है। काम करना चाहिए, परेशानी को डट कर सामना करना चाहिए। मैडम आप म्यूट हैं। टीचर आवाज आ रही है? हाँ मैडम। हाँ, तो यह कहानी से हम क्या सीखे कि कैसी भी विपत्ति आ जाए, धीरज से हम अपना काम करेंगे तो हमारा काम हल हो जाएगा। कौन सी भी परेशानी में हम बुद्धि चातुर्य से काम करेंगे तो हमारा समस्या हल हो जाएगी। ओके, अभी स्टोरी राइटिंग के लिए मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, पूरी स्टोरी नहीं लिख रही हूँ। आप देखिए, यह आपके पेज में जब आप कहानी लेखन लिखते हैं तो यहाँ आपको शीर्षक लिखना है। यह हो गया शीर्षक। तो शीर्षक आपने बहुत सारे बताए, वो लिखना है। स्टोरी राइटिंग के टाइम पे पैराग्राफ करने हैं 1, 2, 3, आप 4 भी कर सकते हैं।
पैराग्राफ लिखने के टाइम पे दो उंगली से ऐसे जगह छोड़ना है और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर ये सेंटेंस सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये पैराग्राफ हमारा बन गया, फिर सेकेंड पैराग्राफ भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा लिखते जाएंगे। और यहाँ मैंने स्टोरी खत्म कर दी मेरी, तो अंत में यहाँ लिखना है बोध। आपने कहानी से क्या सीखा वह लिखना जरूरी है। अभी एग्जाम में अगर यह 5 मार्क्स का स्टोरी आपको पूछते हैं तो 1 मार्क शीर्षक को मिलता है, यह बीच वाले को टोटल 3 मार्क्स रहते हैं, और ये आपने बोध लिखा उसको 1 मार्क मिलता है। कहानी लेखन में आप अपनी कल्पना शक्ति को जितना बढ़ावा दे सकते हैं उतना देना है। कहानी लेखन लिखते समय आप जो चित्र का क्रम है, यहाँ मैंने आपको बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये ऐसे ही चलनी चाहिए। कहाँ आप यह फर्स्ट ले लिया, उसके बाद वो शेर मिल गया, फिर वो भाग गया, फिर शेर का पिक्चर बना रहा था, ऐसे आप कहानी लिखेंगे तो यह कहानी का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वह मुझे समझ में नहीं आती है। तो कहानी लिखने के समय हमें कहानी का जो क्रम है वह क्रम अनुसार निरीक्षण करके कहानी लिखना है। कहानी में कौन सी घटना होती है वह घटना को हम क्रम से लिखते जाएंगे। हमें सोच के लिखना है कि हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करें। डायरेक्ट मैं ऐसे स्टार्ट कर दूंगी कि चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था, फिर शेर आया, फिर शेर का चित्र बना रहा था और उसने शेर मुंह घुमा के बैठ गया, चित्रकार नाव में बैठ गया, चित्रकार नाव चला रहा था, तो यह स्टोरी में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जिस तरह मैंने आपको लास्ट तक स्टोरी सुनाई वैसे आप स्टोरी लिखोगे तो सामने वाला जो आपका लेटर अरे कहानी लिख देख रहा है या पढ़ रहा है तो उसको आपकी कहानी समझ में आ जाएगी। चित्र और घटना के आधार पे हम कहानी लिखते हैं, और कहानी लिखने के समय हमेशा भूतकाल में कहानी लिखना है। आप एक चित्रकार था, वह जंगल में रहता था, वह चित्र निकालने के लिए जंगल में गया, उसने शेर को देखा, तो ये सारी कहानी हम लोग भूतकाल में लिखेंगे। जब कहानी लिखते हैं तो बीच में वर्तमान काल, भविष्य काल, फिर भूतकाल, ऐसे नहीं करना है। कहानी में काल का हमेशा ध्यान रखना है। और कहानी लिखते समय उसके जो पॉइंट्स है वह पॉइंट्स के आधार पर कहानी लिखनी है। यहाँ आप हमर वक्त, चित्रकार, शेर, ऐसे वर्ड्स के बदले आप सर्वनाम, नाम, विशेषण भी डाल सकते हैं। जैसे बुद्धिमान चित्रकार था, चालाक चित्रकार था, चित्र सुंदर बनाता था, बहादुर शेर था, तो यह सारे जो वर्ड्स है उसे विशेषण कहते हैं। तो आप विशेषण का भी उपयोग कहानी में लिख कर सकते हैं। उसके बाद आप चित्रकार के बारे में भी लिख सकते हैं कि चित्रकार ने बहुत सी चित्र बनाई थी। फिर वहां हम लोग विराम चिन्ह, उद्गार चिन्ह, ऐसे चिन्हों का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ आपको जो पहले ही चित्र में वो चित्रकार जब भी जंगल में जाता है तो वहां का कुदरती वातावरण जब देखता है तो वह चित्रकार क्या बोलता है? अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। तो यहाँ हम लोग उद्गार चिन्ह, तो उद्गार चिन्ह कैसे करते हैं वह पता है आपको? ऐसे लिखते हैं, वाह, यह उद्गार चिन्ह है।
कितना सुंदर दृश्य है। तो यह उद्गार चिन्ह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, चित्रकार कैनवास रंग ब्रश लेकर जंगल में गया था। तो यहां मैंने कॉमा इस्तेमाल किया, ओके? और हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप डालते हैं। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे करते हैं, सीधी लकीर। और यह है उद्गार चिन्ह, यह कॉमा। तो आप ऐसे अलग अलग प्रकार के चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी कहानी सुंदर दिखाई दे और आपको अलग अलग तरीकों से कहानी में अपने विचार को डालना है, ओके? अभी आपको और कोई पूछना है क्या? ओके, चित्र आपको यहाँ 6 चित्र दिए हुए हैं, तो आप ऐसे कहानी नहीं लिख सकते। चित्र नंबर 1 यह सेंटेंस, चित्र नंबर 2 यह सेंटेंस, आपको ऐसे भी नहीं करना है। कंपलसरी पैराग्राफ में ही स्टोरी लिखनी है पूरी, ओके? नेतर क्या लगेगा कि आपको चित्र को ही सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चे करते हैं वैसे। अभी हम 6th में आ गए हैं, तो 6th में बच्चों को स्टोरी लिखने के टाइम पे चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2 करके नहीं लिखना है, ओके? अभी आप में से कौन स्टोरी बता सकता है अपने वर्ड्स में? ओके, स्टार्ट। हेलो, हेलो स्टूडेंट। मिस, कैन आई टेल? ओके। एक बहुत समय पहले एक चित्रकार एक बड़े से शहर में रहता था। उसने कई विभिन्न प्रकारों की चित्र बनाई थी, पर उसमें से एक भी गांव का, जंगल का नहीं था, क्योंकि जिस शहर में वो रहता था वह एक भी पेड़ रहता तो था, पर कहीं मुरझाया, कभी किसकी खेत ऐसी थी तो उसे वो पसंद नहीं आता था चित्र बनाने के लिए। तो वो एक दिन जंगल में गया, वह चित्र बना रहा था। वहां दूर बैठा हुआ शेर उसके पास आया, फिर उसने पास आया खाने के लिए। तो उसने, जो चित्रकार था, उसने जरा दिमाग लगाया। उसने कहा, शेर भैया, आप मुझे मत खाओ, मैं तो आपकी बस तस्वीर निकाल रहा हूँ। उसने भी उस चित्रकार की बातों में आ गया। फिर उसने बोला, वो फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। मौका मिलते ही वो वहां से भाग गया। वहां एक नदी के पास उसने अपनी चप्पू की बोट लगाई हुई नाव रख गई थी। तो उसने वो चप्पू ली और जोर से वो चप्पू से नदी तैर गया। फिर उसने वहां देखा और बोला, उसे राहत मिली और बोला, अरे बाप रे, वो शेर तो मुझे खाने ही वाला था, अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। इसका यह मतलब है, इस कहानी का यह मतलब है कि कभी भी कोई भी परेशानी आती हो, चाहे वो शेर भी सामने क्यों ना आ जाए, उसे हम अपने दिमाग से अच्छे से
उस परेशानी को भी हल कर सकते हैं। वेरी गुड, आपका नाम बताओ। पंखनी सेवक कुंभ। वेरी गुड पंखनी, आपने बहुत अच्छे से स्टोरी बताई, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। चलो और कोई बता सकता है? स्टार्ट। बहुत साल पहले एक शहर में एक चित्रकार रहता था। वो चित्र बनाने में एकदम माहिर था। वो वहां पर चित्र बनाता था, लेकिन वहां पर पेड़ पौधे नहीं रहते थे, तो वहां के चित्र इतने सुंदर नहीं रहते थे। तो एक दिन वह जंगल जाने का सोचा। वह जब जंगल गया और वो चित्र बना रहा था, तभी अचानक से एक शेर आ गया। शेर आया तो चित्रकार थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, आप खड़े रहिए, मैं आपका चित्र बनाता हूँ। शेर भी अपना चित्र बनवाने के लिए उधर ही खड़ा हो गया। फिर चित्रकार ने उसका चित्र बनवाया। फिर उसने कहा कि आपका चित्र बन गया, देखिए। फिर शेर ने चित्र देखा। फिर उसने कहा कि आप पीछे मुड़िए। जब शेर पीछे मुड़ा तो वो आराम से सब सामान रखा जल्दी जल्दी, फिर वो नाव में जाके बैठ गया और जल्दी जल्दी वो नदी की इस कोने से उस कोने चला गया और शेर वो कुछ नहीं कर पाया। बहुत क्या मिला इससे? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी कोई भी परेशानी रहे, आराम से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, कभी भी घाई नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो आप दोनों ने, आपका नाम क्या बेटा? अविनाश। अविनाश, वेरी गुड। आप दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी बताई। अभी आज का होमवर्क है, यह जो स्टोरी आपने बताई है वह स्टोरी अपने शब्दों में शीर्षक, तीन पैराग्राफ और बोध, इतना करके अच्छे से लिखना है। अभी हम कल नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock को मिलने वाले हैं। ओके बाय। बाय मैम।